चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के बारे में। आप लोग एग्ज़ाम दे चुके होंगे दिसंबर 2023 में और अब वेट करेंगे रिजल्ट का। एंड जैसे ही आप पास होंगे तो आप ढूंढते चलेंगे कि कितने प्रकार का ट्रेनिंग होता है, कहाँ से रजिस्टर करें, वो सभी जानकारी इस चैनल पर मिलेगा। तो इस वीडियो में अभी बात करने वाला हूँ कितने प्रकार का ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा। तो देखिए, ये न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर 2022। इस ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में आपको तीन स्टेप में पूरे टोटल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो तीन स्टेप कौन कौन सा है? फर्स्ट स्टेप होता है 30 डेज का EDP। EDP बोले तो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो 30 दिन का EDP फर्स्ट करना पड़ेगा। देन सेकेंड स्टेप आता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 21 मंथ का। EDP कंप्लीट होने के बाद इस सेकेंड में 21 महीना का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। देन थर्ड स्टेप में CLDP बोले तो कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो 30 दिन का CLDP कंप्लीट करना पड़ेगा। जब आपका EDP कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 21 महीना का कंप्लीट हो जाएगा, देन CLDP 30 दिन का कंप्लीट हो जाएगा, तब आप अप्लाई करेंगे ट्रेनिंग क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए। जिसे ही आपको मिल जाएगा तो आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, अब स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको शॉर्ट में कहा जाता है EDP, ठीक है। तो न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में EDP एक प्रोग्राम है जो कि 30 दिन का होता है और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो 15 दिन का EDP होगा वो ऑनलाइन होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए 15 डेज EDP प्रोग्राम ऑनलाइन मोड थ्रू LMS। LMS क्या है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो 15 दिन का ऑनलाइन मोड EDP होगा। देखिए ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड सभी का वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकेंगे, ठीक है। तो 15 दिन का EDP ऑनलाइन मोड होता है एंड 15 दिन का क्लासरूम मोड, यहाँ दिख रहा है आपको क्लासरूम मोड। इसमें क्या होता है कि आप रजिस्टर्ड करेंगे अपने नियर अबाउट चैप्टर में, या फिर आप कहीं से भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अगर मतलब आप चाहते हैं कि दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई से करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पटना से करना चाहते हैं कर सकते हैं, कहीं से भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रेफर लोग करते हैं अपना नियर अबाउट चैप्टर को, ठीक है, क्योंकि यहाँ कन्वीनियंस, रहने खाने वगैरह का सुविधा होता है, अपना घर रहता है, जो भी हो, ठीक है। तो 15 दिन का EDP प्रोग्राम थ्रो क्लासरूम मोड, इसमें आपको जाना पड़ेगा चैप्टर 15 दिन का, एकदम बढ़िया से होगा ट्रेनिंग। अरे यार, बड़ा मस्त होता है, आप जाना ना, ट्रेनिंग करना तब पता चलेगा, बड़ा मस्त लगेगा ये 15 दिन का। ऑनलाइन मोड में तो थोड़ा बोरियत लगेगा, थोड़ा क्या, ज़्यादा बोरियत होगा, लेकिन ऑफलाइन वाला बड़ा मस्त होता है, ठीक है। तो EDP 30 दिन का हो गया, 15 दिन ऑनलाइन और 15 दिन क्लासरूम मोड। देन 21 महीना का आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ेगा, 21 मंथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 21 मंथ का होगा, आइदर आप PCS के पास यानी कि प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फॉर्म में आप कर सकते हैं, या फिर कंपनी में कर सकते हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड कोई भी कंपनी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अदर एंटिटी भी करवाती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो वो सभी कहीं से भी आप कर सकते हैं। तो ये तो आपका चॉइस होगा कि आप PCS में करना चाहेंगे या कंपनी में करना चाहेंगे। 21 मंथ का ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। इस 21 मंथ का जब ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, एग्रीमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ कहाँ मिलेगा, ये सभी चीज़ कैसे पता चलेगा, तो इस चैनल पर पता चलेगा। इसका वीडियो मैं अपलोड करके रखा हूँ किस तरीके से एग्रीमेंट अपलोड होता है, कौन सी साइट पर अपलोड होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो फर्स्ट में 30 दिन का EDP हो गया, सेकंड में 21 महीना का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या कंपनी में या फिर PCS के पास, देन 30 दिन का CLDP मीन्स कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम,
ये 30 दिन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे EDP को किया था ना 15 दिन ऑनलाइन मोड और 15 दिन क्लासरूम मोड, इसी तरह CLDP का भी 15-15 दिन ऑनलाइन और क्लासरूम मोड में डिवाइड किया गया है। देखिए 15 दिन ऑनलाइन मोड, 15 दिन आप ऑनलाइन मोड करेंगे, देन 15 दिन क्लासरूम मोड, ए 15 डेज CLDP क्लासरूम मोड या तो रेसिडेंशियल हो सकता है या नॉन रेसिडेंशियल हो सकता है। रेसिडेंशियल में क्या होगा कि आपको जाना पड़ेगा, वहाँ जाएंगे, वहीं पर रहना, खाना, सोना, पीना, हर चीज़ वहीं होगा, ठीक है, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो 15 दिन CLDP ऑनलाइन मोड, 15 दिन CLDP क्लासरूम मोड। जब ये तीनों ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, 30 दिन का EDP, 21 मंथ का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और 30 दिन का CLDP, तब आप अप्लाई करेंगे ट्रेनिंग क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है TCC, ठीक है। तो ये न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में 3 प्रकार के ट्रेनिंग होता है जो कि सभी पर अप्लीकेबल होगा, आप न्यू सिलेबस में हैं या फिर ओल्ड सिलेबस में हैं, ये ट्रेनिंग स्ट्रक्चर सभी स्टूडेंट पर अप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।